लाभार्थी घर से 40 किलोमीटर कौन बेसमेंट बने अंदर किलर इस तरह से किसी की रियासत हो, इतनी बड़ी रियासत हो जो भावानगर से सात का बाग तक रियासत हो और बॉर्डर उसको बॉर्डर लगे, ये पूरा इलाका उसके पास हो, फिर इतनी बड़ी बेसमेंट बन पाए। सादगढ़ से पहले नवाब सामने शालामला बाग वो अभी है। हाँ सर वो भी इस तरह का है। हाँ इसे वो उधर आलामान कोठी बनी हुई है और नवाबों का पहला महल वो था ना कदीम महल जिसको कहते हैं पुराना कोट, उसमें नूर महल जो बहावलपुर वाला नहीं बना हुआ था, ये महल नहीं बने हुए थे, नूर महल उधर बना हुआ था पुराने कोट में, ये बाद में बने हैं, ये जदीद दौर के महल हैं। ये टोटल कितने महल ये तो बेबहा है सर, पूरे पाकिस्तान में इतने महल नहीं है जो इधर बहावलपुर में। अच्छा समझे ना मेरी बात, ये दरबार गुलजार और निशाद जो बहावलपुर वाले महल उनसे ज़्यादा इधर डेरे नवाब में ज़्यादा महल है। अच्छा क्योंकि नवाब सादिक पंजुम जो थे वो किसी बेटे को इस महल कोर्ट के अंदर रहने की इजाज़त नहीं थी, इसमें सरकारी निज़ाम होता था, सही। वो खुद बैठते तख्त पर आकर बैठते और इधर आकर फैसला करते रियासत का। ठीक कोठी के बारे में आपको बताते हैं अभी। अच्छा वो उधर जो बैठता ना वजीर, जब वो सजाए मौत देता उसकी अपील नहीं होती थी, जब नवाब सजाए मौत देता तो उसकी अपील हो जाती, इतने सख्त आर्डर उसको दिए होते। उसने कहा कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मैं इधर तक हिरा वाले से इधर नहीं आ सकता। फिर नवाब ने कहा चलो भाई अदालत उधर बना दो इसके घर में, फिर अदालत भी उधर बना दी गई, उसका महल उसी तरह की ईंटें उधर उसके घर में उधर बना दी, अदालत भी उधर चली गई। ये देखें ये जो मार्बल लगा हुआ है, ये पिलर जो है मार्बल वाले, ये पूरा पीस है जैसे पत्थर से तराश कर इसको निकाला गया है पूरे पत्थर को, ये इस तरह के देखें पूरे हैं। ये 1882 के बने हुए हैं। हाँ उस टाइम के बने हुए। ये सामने सैनमा का गेट है, ये सामने वाला सैनमा का गेट है। हाँ और उसके नीचे स्विमिंग पूल, स्विमिंग पूल। हाँ देखे ना 150 आदमी उसमें बैठ कर फिल्म देखता, बटन दबाते सब कुछ साइड पर हो जाता और नीचे स्विमिंग पूल। इसकी फिल्में मेरे पास पड़ी हैं, ये है टेलीफोन स्क्रीन और जर्नल इसमें बैठते हैं। हाँ जी तो जिस तरह मैंने आपको बिल्कुल फ्रंट दिखाया, आपको हिस्ट्री के बारे में एक एक पता है, सईद भाई हमें गाइड कर रहे हैं और एक एक चीज के बारे में बता रहे हैं कि क्या क्या है। अब हम जा रहे हैं बेसमेंट के अंदर और यहाँ मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या क्या चीज अभी पड़ी हुई है यहाँ पे। मेरे ख्याल में चमगादड़ सांप वगैरह बिच्छू ना हो, अल्लाह करे ये ना हो, तो बेसमेंट के अंदर जाके बात करते हैं। ये वाला बैंक, हाँ ये नीचे दफ्तर और बैंक थे। ये बाकायदा लॉकर पर लिखा है 54 बैंक ऑफ इंग्लैंड लिखा हुआ है। सही, ये मेरा कैमरा मैन अगर दिखा सके, ये बैंक का नाम है। सही, ये लॉकर है। हाँ नीचे सिर्फ दफ्तर और बैंक थे। आ जाना आगे, ये दरवाजा पड़ा है इस साइड वाला। अच्छा ये सारे बैंक के मिसाल है, ये है दूसरे महलों को कनेक्ट। अभी हम इधर से आगे नहीं जा सकते क्योंकि आगे चमगादड़ और सांप मिलेंगे। सही, अंदर जाए मैं आपको तिजोरियां वगैरह देखूं जहां वह वो सोना वगैरह वो चीजें हैं। ये देखें सर तिजोरियां वगैरह, ये मार्बल हैं जिसके दाम पर ये महल खड़ा है। आगे ये वॉशरूम है, वो भी वॉशरूम, आगे साइड रूम, उधर भी तिजोरियां पड़ी हुई। एक ही ये है जो वो चीजें बची हुई है जो चोर से नहीं उठाई गई। ये देखिए सामने तिजोरियां पड़ी, ये तिजोरियां पड़ी, ये दिखती तिजोरियां। इस पर लिखा हुआ है क्वीन विक्टोरिया स्ट्रीट लंदन बैंक ऑफ इंग्लैंड। ये आ जाए ना वो आपको दिखाऊं सर, ये देखें लुफे की ये बने हुए, ये टूटे हुए हैं ना, तोड़ कर इधर फेंके गए। ये देखें सारा है तो वीरान आ सकते हैं। ये लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ साहिद भाई? ये लिखा हुआ है सर क्वीन विक्टोरिया स्ट्रीट लंदन। सही, ये देखिए ये लिखा हुआ है क्वीन विक्टोरिया इंग्लैंड। हाँ जी ये सामने, ये भी इधर की तस्वीर ले लें, ये सामने देखें, ये देखें हर चीज़। ये उन दिनों में लॉकर होते थे, ये लॉकर। सही, ये दूसरे महलों को कनेक्ट है। मतलब ये आगे कौन कौन से महल हैं? मुबारक मंजर, राहत मंजर, जदीद मंजर, इस तरह के और जो महल हैं साहब का नीचे से अंडरग्राउंड रास्ता है। ये देखें, ये अभी ऊपर अभी लाइट देखे ना ऊपर, देखे झुंड कैसे बैठे हुए हैं चमगादड़ों के। सब वीरानगी है ना सर। ये देखें ये जो है, ये आप देखें ये सांप जो जिल्द उतारते हैं ना, ये जिल्दें पड़ी हुई वो देखें, वो सांपों की जिल्दें ये पड़ी हुई है। ये वाला रास्ता ये दूसरे महल को जा रहा है। सही, ये देखें ये अंडरग्राउंड रास्ते हैं।
दूसरे महल को कनेक्ट है। आगे हम इस वजह से नहीं जाते क्योंकि आगे हमको चमगादड़ों के छोटा सांप जाना है। हमारे सईद भाई जो के काफी टाइम से इधर है और हमें गाइड करें एक एक चीज के बारे में। अभी हमें बेसमेंट के अंदर लेके आया और इन्होंने हमें वो चीजें दिखाई, लॉकर वगैरह दिखाया कि 1928 के अंदर ये जब भी था मलका विक्टोरिया के दौर के लॉकर बने हुए हैं, उन्होंने हमें उनकी तस्वीरें दिखाई। आगे सईद भाई आपने दिखाया अभी ये है इधर भी कमरे 10-40 कमरे इधर है और बाहर 20-30 कमरे आगे हैं। ये लिफ्टें हैं जो इधर से वो देखे ना दरवाजे दुनिया ले गई है, आगे हम नहीं जा सकते क्योंकि आगे वीरानगी है। ये एक लिफ्ट इधर है, एक लिफ्ट इस तरफ भी है। समय ना सर, इस वजह से मैं आपको नीचे ले आऊँ वरना गर्मी होती तो फिर हम इधर तक ना पहुँच सकते। ये देखिए एक मिनट, ये लिफ्ट का कमरा है। हाँ अंदर देखे ना आवाजें आ रही हैं, ये वीरानगी है ना। आगे ये लिफ्ट का कमरा है, लिफ्ट दाएं तरफ है। ये भी इस तरह के कमरे हैं आगे, ये ऊपर से भी एक रोशनी आ रही है के सामने। ये हर चीजें बिखरी हुई लूट मार हो गई है ना। ये देखिए कोई दरवाजा नहीं, किसी ने नहीं रखा। वो जो आगे रोशनदान नजर आ रहे हैं ये दूसरी बेसमेंट है। इस बेसमेंट से अलावा एक और बेसमेंट है, उसका रास्ता दूसरी तरफ से है। ये इस तरह सारे ये देखें ऊपर से, ये जो आदमी चलते थे ना ऊपर वाले, उनके नीचे ये सामने शीशे लगाए गए नीचे वाले, जो नीचे घूम फिरे उनका उनकी पाँव की मिट्टी ना गिरे। ये देखें ये सामने एक शीशा लगा हुआ, ये छत के ऊपर शीशे लगे हुए जो ऊपर वालों का नीचे वालों का कोई। अगर दूसरा कोई रास्ता है मतलब जैसे हम वहाँ उस रास्ते से हैं तो आगे इस रास्ते से जा सकते हैं नहीं, फिर हम वापस जाएंगे क्योंकि आगे रास्ते तो हैं वो ब्लॉक ही हुए ना, खत्म हो गया है। फिर ये है जो अगर फौज आ जाए पाकिस्तान की फौज उसके बाद वो इसको ऐसा ऐसा काम करती रहे और चीजें निकालती रहे, फिर आगे सफर भी होता। इस तरह मैंने आपको सईद भाई से इसकी हिस्ट्री के बारे में बताया, हिस्ट्री के बारे में फिर सामने तख्त वाली जगह पे तख्त के साथ साथ बेडरूम कॉन्फ्रेंस रूम हर चीज बताया, इसके साथ साथ बेसमेंट भी आपको वाजे तौर पर दिखाया और वो चीजें दिखाई, लॉकर बैंक इवन के हर चीज लिफ्ट का रास्ता भी दिखाया। अब हम जाते हैं चिट्टी कोठी, मतलब चिट्टी कोठी यहाँ पे एक चीज है उसके बारे में आपको बताते हैं कि वो क्या चीज है। आइए चलते हैं। आप एक सफेद रंग की इमारत देख सकते हैं तो ये बिल्कुल सफेद है और इसका नाम है चिट्टी कोठी। चिट्टी कोठी क्या है, यहाँ पे एक जर्नेल बैठता था तब उसका नाम था मॉडर्न। अब उसका जो मकबरा बनाया हुआ है आर्मी के साथ, एक APS पब्लिक स्कूल, आर्मी पब्लिक स्कूल है उसके अंदर उसका मकबरा है, तो यहाँ पे वो बैठा करता था। ये था नवाबों का सादेगढ़ पैलेस, कब बना था उस तरीके बारे में बताया, इसके अंदर क्या क्या हिस्ट्री है, क्या क्या फर्नीचर था, क्या क्या चीज़ मौजूद थी, मस्जिद के बारे में आपको बताया और इसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें आपको बताएं। इसी तरह आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं कल इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।